हाँ जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। कल मुझे एक टेंशन हो गई थी बैंक को लेके, चलो बाद में बताऊँगी मैं आपको। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आलू के परांठे बना रही हूँ, और शायद पहली बार मैं आप लोगों के साथ आलू के परांठे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करती थी शेयर की सभी को पता है आलू के परांठे कैसे बनते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाले थे, तो ये आलू आधे से मैं परांठों के लिए ले लूँगी, बाकी आधे मैं शाम के टाइम सब्जी बना लूँगी इनकी डिनर के लिए। तो थोड़े से मैं इनको छील दूँगी। और देखो सिर मैंने बांधा हुआ है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही थी, सुबह का टाइम है ये। और आजकल आपको पता ही है कि क्या क्या चल रहा है, बहुत सी कंडीशन है ख़राब है लोगों की, राशन नहीं है, और ऐसे में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम कुछ करें अपने लिए। चलो जो गवर्नमेंट में जॉब है जिनकी, उनके तो फिर भी चलो आ जाएंगे पैसे, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। और दूध का एक साधन है वो भी बंद है, और दिहाड़ी जो हमारी लगती है वो भी नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई बात नहीं, करेंगे इनको फेस, बस ये प्रॉब्लम चली जाए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बीमारी की, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आलू मैंने छील लिए यहाँ पे, चलिए देखते हैं आगे। और अब यहाँ पे मैं आलू मतलब इनमें मसाला मिक्स करूँगी, क्या क्या डालना, मैंने मेरा सामान भूल जाता है, मेरे को बार बार उठना पड़ता है, और एडिटिंग करते टाइम भी बहुत दर्द हो रही है सिर में, पता नहीं क्यों। और लाइट चली गई है, और आज दूसरे चैनल पे भी डाली थी मैंने वीडियो, उतनी नहीं चली, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक यूट्यूब का ही है कि चलो यहाँ से कुछ बन जाए। और खैर छोड़िए, अच्छा नहीं लगता ऐसा बार बार बोलना ना कि क्या क्या क्या, कोई भी कुछ भी। तो इसमें मैंने हरा धनिया लहसुन की पत्तियाँ ये काट ली हैं, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको ऐसी मुश्किल आ रही है। और चूल्हे के ऊपर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, और मैंने मशीन भी लगाई है, मक्खन निकाल दही जो है वो मैं छोड़ रही हूँ मशीन में, तो दिखाऊंगी आपको आगे। तो यहाँ पे एक प्याज था मैंने आधा ही डाला है, और बारीक कट करके मैं इसको आधा डालूंगी। कई तरह से बनते हैं इसको, मसाले को कूट के पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैंने अभी ना क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द थी तो मैंने फटाफट से ऐसे डाली, इसमें नमक हल्दी जीरा सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें, और अगर ये पीस के पड़ता तो ज़्यादा टेस्टी होते। मिर्च भी काट दी मैंने, और सारा सब कुछ इसमें मिक्स कर दूंगी मैं, और फिर इसको चम्मच से मैश कर दूंगी। अभी गर्म है उतने को मैं आटा बाट लेती हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ जितने को, ये ठंडा होगा। तो फिर आटा मैंने यहाँ पे गूंथ दिया, इसको रख दूंगी मैं, क्योंकि थोड़ी देर आटा अगर ऐसे ही रहे ना 10-15-20 मिनट तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और मैं आजकल दोनों चैनल पे इसीलिए वीडियो डाल रही हूँ कि चलो मतलब कुछ तो इनकम हो, या कुछ भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं देता हमारे को यूट्यूब। 10,000-15,000 पे $1-2 बनता है, और 8,000 पे $1 बनता है, $1 होता है 75 रुपये का, तो 8,000 व्यूज़ जब आते हैं। चलिए अब और तो कोई सोर्स है नहीं, तो मक्खन मैंने निकाल लिया यहाँ पे, और ये देखिए तो मक्खन के साथ फिर हम ये परांठे खाएंगे, बस जो भी है घर में उसी में ही रहो। आजकल कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस ये बीमारी चली जाए एक बार तो फिर कुछ करते हैं, कुछ करेंगे आगे। लस्सी भी हो जाती है खाने को घर में, क्योंकि दूध नहीं जा पाता। तो चलिए बना लेते हैं, मैंने स्पीड कर दी यहाँ पे फास्ट, नहीं तो लंबा हो जाता है। और फिर ऐसे अगर मतलब आपका पेस्ट बाहर निकलता है तो आप 2 चपातियाँ भी लगा सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें तेल जो मैं काढ़ के रखा हुआ मैंने ना परांठों के लिए, फिर मैं ऐसे लगा देती हूँ इसको। और बहुत हवा चली है, मौसम भी ख़राब है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि गर्मी से दूर हो जाएगा, क्या है जो सिस्टम बीमारी का, तो गर्मी तो मुझे नहीं लगता इस साल होगी, हमारा तो बहुत ठंड होगी, शॉल कोटियाँ फिर से निकल गई हैं। तो इस तरह से एक एक करके मैं फिर से बना लूँगी, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस टाइम सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो सपोर्ट बस इतना सही है कि आपको बेल आइकन प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो शेयर कर देना है।
तो हमारी चलो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इस तरह से, बाकी और तो कुछ नहीं, और तो ये कमा के ही मिलेगा जो भी मिलेगा। तो ये सुबह हमने बनाए थे, काफ़ी अच्छे बने थे। और ये धुआँ पीछे हटता है ना, तब देखो इतना क्लियर नहीं आ पाता। सैलड़ियाँ कदी पीलड़ियाँ, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरे चैनल पे नहीं देखा होगा वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, आज नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपको, अगर आप बेल पे ऑल क्लिक नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एडिटिंग करते टाइम भी बहुत दर्द हो रहा है सिर में, ये देखिए। तो ये देखिए किस तरह से करते हैं हम ब्रेकफास्ट। तो चाय रखी है, मक्खन भी रखा है, परांठे भी हैं, और चाय में डालूंगी सबके लिए। हनी के पापा भी कहीं बाहर धूप कर रहे हैं, मतलब बाहर भी करते हैं वो ना, जो देवते हैं वो होते हैं हमारे सामने ना, उनको भी लेंटर के ऊपर से ही धूप जो है दिखा देते हैं, बाल देते हैं, मतलब अंदर तो करते ही हैं, मंदिर के पास तो करते ही हैं, पर बाहर भी करते हैं। तो उतने को हम, मैं और हनी खाने लग गए थे, मैंने कहा चलो हम शुरू करते हैं, वो आ जाएंगे। तो ये देखिए, और ऐसा नहीं बोलना कि पराठे खाने से लगी मेरे सिर में दर्द, मेरे सिर में पहले ही दर्द थी और आज मैं बहुत आस्ते बोल रही हूँ। तो ताज़ा ताज़ा मक्खन पानी में से निकलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनके लिए रख दी हमने थाली, बस आ जाएंगे जस्ट अभी, तो हम से रहा नहीं जा रहा था, हम तो फटाफट गर्म गर्म पराठों के साथ जल्दी जल्दी खाना चाहते थे। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, पता नहीं आपको बोर लगा होगा, क्या लगा होगा। अब और तो कुछ नहीं दिखा पाई मैं आज, आगे दिखाती हूँ आपको सुबह सुबह का सीन, मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया था, वो चांद बहुत सुंदर लग रहा था सुबह सुबह, बस छिपने ही वाला था जिस टाइम मैंने उसको कैप्चर किया, मैंने उसकी क्लिप ली। तो मक्खन के साथ, और सबकी पता है आप लोगों को मुझे मक्खन दही सॉरी मक्खन घी ये सब चीज़ें खाने को मना है, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल हो जाता है की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो मैं नहीं खा पाती। कल तक कोई और गाना सुनाऊंगी। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, चाय मक्खन थाली, ये देखिए ताज़ा ताज़ा मक्खन। तो यही था मेरा आज का वीडियो, चलिए वीडियो के लास्ट में आपको गाना सुना देती हूँ, योग राणा जी ने बोला है, छोटे हैं मेरे से, चलो योग योगी बोल देती हूँ मैं, योग जी ने बोला है। आज वैसे मूड नहीं था गाना सुनाने का, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, काजल सारे फैल गया है यानी, तो चलो सुना देती हूँ मैं, दो चार लाइनें सुनाऊंगी ज़्यादा नहीं। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंभू नाथ रे। भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो काले या सरपा वाला, मेरा भोले बाबा शिखर कैलासा तेरा डेरा ओ जी। ओ सर पे तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता
कैलाशा तेरा डेरा हो जी। मैं कभी आपको फिर से पूरा सुनाऊंगी किसी और दिन, ठीक है? चलिए, अब मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।